भी मौत सी देखी भाई। हेलो वरुण पवार, ये होंडा की सिविक है, वन ऑफ द मोस्ट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड व्हीकल 2010 में जो आया करता था, 2006 से 2013 तक वो यही है होंडा सिविक, क्योंकि 130 bhp आपको देता था ये 1800 cc के इंजन के थ्रू। ये देखिए 7000 rpm तक ये आराम से जाता है। अगर मैं इसको फुल ड्राइव करके उठाऊँ ऐसे उठती है भाई ये कार। आज इसको ड्राइव करके देखने वाले हम कैसी चलती है आपकी ये होंडा की सिविक 2010 मॉडल। ब्रेकर अगर जंप कर, अरे सस्पेंशन वगैरह सब बढ़िया भाई इसके। अभी मैं 0-100 करके देखता हूँ यार कितनी देर में जाती है ये कार। पहले ये हमने टेक दिए फर्स्ट गियर, आरपीएम उठाता हूँ, टाइमर नीचे लग रहा है, टायर स्पिन करने की कोशिश ही तो करते हैं पर नहीं करते। ये आपकी पहुंच गई। अच्छा दूसरे गियर पे ही भाई ये सो चढ़ जाती है आपकी कार ना, 7000 पे जाते फिर लैग मार जाती है भाई। इसकी आवाज सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, जो ये आवाज करता है ना इंजन, पेट्रोल इंजन से ये आवाज सुन रहे हो आप इसकी, ये क्या मस्त है भाई भागने में। और ये मात्र 2.5 lakh rupees की गाड़ी है भाई, जो आपको इतना तगड़ा परफॉर्मेंस देती है। देखो लोग 2.5 lakh rupees में बाइक लेते हैं, ये KTM वेटीएम पल्सर 250 cc की बाइक्स, लेकिन ऐसी 2.5 lakh की आप कार लेते हो अगर सेकंड हैंड, आपको बारिश से बचाती, धूप से बचाती, सर्दी में सर्दी से बचाती, देखो कितना एडवांटेज होता है बाइक्स किस चीज़ से बचाती है आपको। पर अपने हमने शो हो गए भाई, अभी ब्रेक टेस्ट करता हूँ मैं। सो अभी देखो सो है ना, एकदम रोकूंगा। आओ भाई कॉन्फिडेंस रहता है यार पूरा, गाड़ी रुक जाएगी। और यार एक चीज जो मेरे को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर रही है ना ये कार में भाई, मानोगे नहीं आप, 10 मॉडल है आपका और इसमें कोई बजने की आवाज नहीं है। बताओ मतलब कहीं से भी गाड़ी नहीं बज रही है, जो भी नॉइज आ रही है भारत की रोड नॉइज आ रही है इसमें, क्योंकि रोड कुछ ज्यादा खराब है यहाँ के, वरना तो अंदर तो कुछ है ही नहीं आवाज इसमें खास, वरना गाड़ियाँ 1-2 साल में आराम से बजने लग जाती हैं। तो होंडा की फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको नजर आती है सिविक के साथ ना। ये अब जैसे एक्सप्रेस वे पे हम आ गए तो यहाँ पे मस्त है भाई, मतलब मस्त जाती है गाड़ी। देखो शोर आपका 5000 rpm सुनने को मिलता आपको, आप स्टेयरिंग आ जाता है यार अपनी जगह पे, धूल उड़ा दी पूरी गाड़ी ने। पंडा कोई ना जा नहीं सुना, छोड़ दे ना, हैंड ब्रेक लगा दो, गेम लगा दो हैंड ब्रेक। भाई गाड़ी जा चुकी है गड्ढे में, भाई साहब लगती है, लगी है बाहर दिखाओ। अबे भाई, अबे भाई, अनफॉर्चुनेटली ये स्टंटबाजी के चक्कर में भाई क्या ही हो गया गाड़ी का, आप देखिए कहाँ पे आके। अरे तुम बाहर से ऑडियंस देख रही थी, बाहर था मैंने की भाई गाड़ी नीचे गई इधर, मैं घबरा गया भाई, मैंने की गाड़ी गई नीचे। अरे वो बची गए भाई, देख रहे कहाँ जाके पड़ते यार हम लोग, मैंने की भाई गाड़ी गई, मैंने की आज तो काम हो गया भाई, ये उल्टा है इसमें रुक अटक गया मिट्टी में, हां ये सस्पेंशन टिक गया भाई नीचे, देखो ये वाला इसमें फंस गया, हैंड ब्रेक लगा हुआ था जैसे कि इसमें जाम हो गया ये देखो। अरे ये ना चिकनी मिट्टी थी भाई, ये देखो अभी जल्दी चली गई कार यहाँ पे, वरना ऐसे यहीं की मुड़ जानी चाहिए थी देखना।
मैंने देखी थी लाइव भाई, मेरे को पता भाई गई नीचे गाड़ी, आज तो साइड होती ना गाड़ी रुकती नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, यहाँ तो फिर तो नीचे ही जाती गाड़ी। अपना पैर ही देखो स्लिप हो रही है, जो छोटी छोटी है ना, इसकी वजह से गाड़ी को कॉन्फिडेंस ना रहे, तो इसलिए भी पटती गई है। गाड़ी देख लो भाई, किस्मत ही लगा लो जो बच गए ना। तो भाई नीचे पार, नीचे पाते हम नेवर एवर ट्राई ऑल दिस। ना ना ऐसी चढ़ जाएगी ना, नीचे बैग ना ले मिट्टी मुट्टी चली जाओ, पीछा लुढ़क जावे ना ना। अरे तो यहाँ लगा पता है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, वो पीछे ना आंदू में। अरे ये भी सही है कि दे ऊपर ही जा रहा निकल जाएगी, जब ही तो कह रहा हूँ यार, नीचे चलोगे फिर नहीं निकलेगी। ब्रेकिंग तगड़ी भाई, 10 के एक्स्ट्रा स्पीड मालना चल। डैमेज तो नहीं हो गया गाड़ी में? डैमेज तो ना हुआ कुछ? लाइट वेट तो जल के अंदर ना ना, कुछ इतने थोड़े हुए कुछ। अभी मौत सी देखी भाई। अरे जो अंदर बैठे तुमको लगी मौत सी? नहीं मैं तो पहले कैमरा तो गिर गया था भाई तुम्हारा यार, तुम्हारा तो लगी थी बोल रहा है यार, तो मैं इस भाई के देखो ना, अब तक दिल कांप रहा है भाई, पैर ना कांप रहा भाई। भाई मैं था बाहर, मेरे को ही पता है एग्जैक्ट लोग क्या बात थी। और ये बढ़िया रहा कि यहाँ पे गई भाई, क्योंकि इधर गाड़ी में कुछ डैमेज नहीं हुआ। अगर यहाँ पे आती ना तो ये बहुत ही नीचे पड़ जाता है रोड से, यहाँ पर गाड़ी में भी डैमेज रहता। अब देखो खुद के खुद ही गाड़ी अपने आप बाहर निकल गई, ये देखो ये कितना नीचे है, यहाँ भी जाती अगर तो यहाँ भी डैमेज बढ़िया हो जाता। और हमारे डैमेज का तो पूछो मत, अगर थोड़ी और इधर चली जाती तो भाई। ये देखो बस परे के देखो कौन खड़ी है, उस चीज का भी ख्याल रखना भाई। हाँ मजा होता है, 2.5 लाख की कार लो उसके साथ ये सब हरकतें करो। टायर भी बदलवाएंगे इसके, 2.5 लाख के बाद टायर बदलवाए हैं। जैसे इसी सब पर इसमें हाथ लगा दे तो नीचे आ जाता है, इतनी जल्दी नीचे एकदम टच होते ही करना दोबारा, या आपको ज्यादा ही जान से नीचे कर रहे हो? हाँ ज्यादा नीचे ही काम करते हैं, मतलब देखो थोड़ी मतलब जान लगानी पड़ती है इसमें, हाथ कुछ एंटी पिंच ही तो सब में पावर विंडो और सब में आता है। ऑटो अप डाउन वाली है क्या? हाँ ऑटो भी ऑटो डाउन भी, एक ही ड्राइवर साइड। यार फीचर्स के मामले में तो बड़ा ही इंप्रेस कर रहे हैं भाई ये गाड़ी रियलिटी में, मतलब ग्लास व्लास भी रख रखे देखना मस्त, ये 2 लीटर की कोक के साथ आता है फ्री भाई ये ग्लास। हाँ तो ओनर कैसा लगा भाई जब ये सीन हुआ आपके साथ? अच्छा लगा। वैसे ये सब करतब कर रहे 30 तक की स्पीड पर ही होते हैं भाई, जैसे 32 की स्पीड है और आप मैं नहीं कर रहे। ये ऐसी हरकतें ना ये कम स्पीड पे ही हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। अरे बच गए भाई, सिविक के चक्कर में ना सिविक भी जाती है और हम भी जाते हैं। चलो भाई थैंक यू सो मच देखने के लिए, नेवर एवर ट्राई ऑल दिस ऑन दी प्रेसवे जो भी अंडर कंस्ट्रक्शन हो। वीडियो देखने का धन्यवाद, थैंक यू सो मच।